दोस्तों, पानी एक सस्ता और एसेंशियल एलिमेंट है आपकी बॉडी के लिए। आपके मसल्स जब फुल हाइड्रेट होते हैं ना, तो ज़्यादा ताकत से काम करते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। और जब वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनमें पानी कम होगा आपके मसल्स में, तो आपका स्ट्रेंथ लेवल भी गिरेगा, इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे। मोस्टली इंजरी तभी होती है जब मसल डिहाइड्रेट होगा आपका, क्रैम्प भी जब ही आते हैं। तो खूब पानी पीना है पूरे दिन, इससे सस्ता न्यूट्रिशन आपको मिलेगा नहीं। लेकिन पानी सिर्फ पीना काफ़ी नहीं है, पानी आप पियेंगे तो मसल्स में रुकना भी चाहिए। अब उसके लिए आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ना, वो सही होना चाहिए। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब एक बैलेंस होना चाहिए। सोडियम आपको पता है वाइट साल्ट से आपको मिल जाता है, वो आपका पूरा हो ही जाता है। पोटेशियम सभी ड्राई फ्रूट्स में भी पोटेशियम है, और एक या दो केला आप रेगुलर बेस पे खाते हैं तो आपका पोटेशियम भी नीड पूरा कर लेता है। मैग्नीशियम के लिए जो सीड्स हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हैं, सिया सीड्स हैं, उनमें बहुत हाई मैग्नीशियम है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो उनमें भी मैग्नीशियम मिल जाता है आपको। तो ये सोर्सेज आप देखें कि पोटेशियम मैग्नीशियम कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं। अगर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों का बैलेंस आपका सही है और आप पानी खूब पीते हैं, मसल हाइड्रेट रहेगा, तो आपका 100% आप देखना ट्रेनिंग बेटर होगी, स्ट्रेंथ लेवल बढ़ जाएगा आपका, और न्यूट्रिशन बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि पानी की कमी होगी तो न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती बॉडी पूरी तरह से। तो इसको आप रेगुलर बेस पे पानी 4-5 लीटर पीना ही आपने। आप हाई प्रोटीन डाइट पे हैं, स्वेटिंग ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो 4-5 लीटर आपके लिए बनता ही है। तो अगर ये छोटी सी टिप्स, इसका ध्यान रखें आप और अपनी ट्रेनिंग में चेंज देखें। थैंक यू।